दोस्तों आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद राहुल उपाध्याय में। तो दोस्तों हमारे पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अपने इस वीडियो में 27 से लेकर 43 तक क्लियर करेंगे। सभी एक ही टाइप के सवाल हैं, कल भी थे और आज भी सेम टाइप के सवाल हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है, ठीक है। फादर सन, देखो प्रेजेंट एज है ये। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चार गुनी, ठीक है, चार गुनी होगी। पांच वर्ष पहले बिफोर फाइव ईयर, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। नौ गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है, पिता की वर्तमान उम्र क्या है, यहाँ बतानी है हमें। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताई थी, नीचे की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए और इनके बीच का अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। तो ना तो हमारी नीचे की वैल्यू बड़ी और ना इनका अंतर सेम। तो क्या काम करेंगे हम, इस 9 और 1 का डिफरेंस लेंगे 8, 4 और 1 का डिफरेंस लेंगे 3। इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 9 * 3 = 27, 3 * 1 = 3। इस 8 की यहाँ, 8 * 4 = 32, 8 * 1 = 8। अब देखेंगे 27 और 5 = 32, 3 और 5 = 8, तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ही आ गई। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी, 1। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे भी एक मल्टीपल पर रखेंगे तो 32 वर्ष आ जाएगी। फादर की उम्र कितनी है, 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। देखो राम की आयु श्याम की आयु का 1/3। देखो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी इसमें राम की वैल्यू ऊपर वाली और श्याम की वैल्यू 3, यानी राम की 1 है और श्याम की 3 है। इसने बोला राम की आयु श्याम की आयु का 1/3, ठीक है, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु है 17 वर्ष, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो श्याम की आयु बताइए, तो श्याम की आयु पूछ रहा हूँ, और कुछ भी दे रखा है इसमें, 5 वर्ष पूर्व। देखो 5 वर्ष पूर्व का मैटर है, राम की आयु श्याम की आयु, तो इसमें पूछा श्याम की आयु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 17 साल का है आज हूँ, कद 5 साल बाद, 5 साल पहले कितने का था, 12 का, लेकिन इसके हिसाब से कितने का, 1 का, तो 1 मल्टीपल पे है, वो सॉरी 12 मल्टीपल पे, तो 12 मल्टीपल रखेंगे, 12 * 36, 36 वर्ष का ये 5 साल पहले, कौन, श्याम, तो 5 साल बाद कितने का, 41 वर्ष का, 41 वर्ष, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। देखो मेरी यानी पिताजी कह रहे हैं, ये मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी, प्रेजेंट में कह रहे हैं ये 3 गुनी है, मेरी आयु मेरे पुत्र से है 3 गुनी, ठीक है जी। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र से 2.5 गुनी, मेरी आयु मेरे पुत्र से 2.5 गुनी, यानी इसकी 5 तो इसकी 2। देखो मेरी आयु मेरे पुत्र से 2.5 गुनी, 2 सही 1/2, भाई 2.5 गुनी तो ये बैठेगी, 2 * 4 = 1, 5/2, तो फादर और सन, 2 * 4 = 1,
5/2, फादर की वैल्यू 5 और सन की वैल्यू 2, ठीक है, ढाई गुना। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? मेरी वर्तमान आयु, मेरी का मतलब है पिताजी से, पिताजी कह रहे हैं सारी बात कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र से 3 गुनी और 5 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र से 2.5 गुनी होगी। तो मेरी आयु बताओ। तो देखो नीचे की वैल्यू क्या है, बड़ी है, लेकिन यहाँ डिफरेंस 1 का यहाँ 2 का। तो पहले तो डिफरेंस ही सेम करेंगे हम, 5 और 2 का डिफरेंस 3, 3 और 1 का डिफरेंस 2। इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 3 3 9 और 3 1 3, 9 से 10, 3 से 4, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 5। पिताजी की आयु बतानी है हमें, तो 5 मल्टीपल पर रखेंगे पिताजी का आयु, 45 वर्ष। इसी टाइप के मैंने कल क्वेश्चन करवाए हैं बहुत सारे, पिछली वीडियो में आप उन्हें देख लेना, ठीक है, पिताजी का आयु 45 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के सवाल आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 30, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। सेम सही क्वेश्चन है, कितने गुना बड़ा है, 5 गुना, ये 1 है तो ये 5 है। 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना। देखो सेम सवाल है बिल्कुल, 5 और 2, पिता की वर्तमान आयु बतानी है, तो पिताजी की वर्तमान आयु बता दो। देखो यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे नहीं है, बराबर है, डिफरेंस भी अंतर है। तो यहाँ पे लेंगे 5 और 1 का डिफरेंस 4, 5 और 2 का डिफरेंस 3, 3 5 15, 3 1 3, 4 5 20 और 4 2 8। देखो 15 से 20 और 3 और 5 8, यानी 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 15 वर्ष, तो 1 पॉइंट की कितनी, 5 3 15 3, तो 3 मल्टीपल पे इसे रख देंगे, 15 3 45 वर्ष, पिताजी की आयु कितनी आ गई, 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी, वर्तमान की बात करिए इसमें 3 गुनी, 5 वर्ष पश्चात, देखो सेम क्वेश्चन है भाई, 5 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी, यानी वही मैटर है, 5 और 2 का 2.5 गुनी। अभी जस्ट मैं पीछे ऐसे क्वेश्चन करवा के आया हूँ, आप उसे देख लें 2.5 गुनी कैसे करिए मैंने, तो 3 2 5 1 और 1 2, तो यहाँ फिर डिफरेंस सेम करना पड़ेगा और नीचे की वैल्यू हमें बड़ी रखनी पड़ेगी, तो 3 और 1 का डिफरेंस 2, 5 और 2 का 3, इस 3 की मल्टीप्लाई 3 3 9, 3 1 3, 2 5 10 और 2 2 4, 9 से 10 और 3 से 4, 1 पॉइंट बढ़ रहा, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 5, 9 की पूछी है इसने, तो 5 मल्टीपल पर 9 5 45 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अभी 29वां क्वेश्चन करवाया हमने, 29 और 31 सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, 45 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32, पांच वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद फादर और सन, प्रेजेंट में इसने कुछ दिया नहीं, सीधा कही है 5 वर्ष के बाद
पांच वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तीन गुनी, पिताजी की आयु पुत्र की आयु के तीन गुनी, जबकि पांच वर्ष पहले, जबकि पांच वर्ष पहले, ठीक है जी, पांच वर्ष पहले भी लेके जाए इसे, पांच वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु का सात गुना, पांच वर्ष पहले थी सात गुना पिताजी की आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु यानी यहाँ पे ये जो पूछिए इसके आंसर। तो देखो सबसे पहले नीचे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस होना चाहिए सेम, तो दोनों चीज़ अलग हैं, तो करेंगे हम सात और एक का डिफरेंस छः, तीन और एक का डिफरेंस दो, इस दो की मल्टीप्लाई यहाँ पर सात दूनी चौदह, दो एकम दो, छतिया अट्ठारह और छः एकम छः, देखो चौदह और चार अट्ठारह, दो और चार छः, यानी चार पॉइंट की वैल्यू बढ़ रही है हमारी कितने साल में, दस साल में, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है पाँच बटे दो, देखो इसे ऐसे ही रख लेंगे, पॉइंटों में नहीं ले जाऊंगी, थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी इसमें लेकिन इतनी दिक्कत भी नहीं होगी जो आप पॉइंटों में नहीं ले जाएंगे। तो दो पंजे दस, दो दूनी चार, अब देखो इतने मल्टीपल पे है तो इसे भी इतने मल्टीपल पे रखो, पाँच बटे दो पे, दो सत्ते चौदह, सात पंजे पैंतीस, पैंतीस वर्ष की उम्र निकल के आ गई इनकी, कब, पाँच साल पहले, ये पाँच साल पहले की बात है, तो पाँच साल बाद कितने की उम्र इनकी, चालीस वर्ष की, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से समझें, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तीन गुनी थी, 10 वर्ष पूर्व, फादर और सन, यहाँ पे परसेंटेज रखेंगे और 10 वर्ष पूर्व की बात करी है इन्होंने, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तीन गुनी, अपने पुत्र की आयु की तीन गुनी, ठीक है जी, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दो गुनी, ठीक है जी, दो गुनी उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। देखो यहाँ पे इनकी आयु का रेजो पूछा इसने, तो देखो भाई नीचे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस सेम होना चाहिए, एकदम चेक करना ही तो आपको क्वेश्चन में देखते ही, तो तीन और एक का डिफरेंस है दो, दो और एक का डिफरेंस है एक, इस एक की मल्टीप्लाई इस तीन में, एक तिया तीन, एक एकम एक, ये सेम ही रहेंगे, इस दो की मल्टीप्लाई यहाँ पर दो दूनी चार, दो एकम दो, ठीक है, अब देखो तीन से चार, एक से दो, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, तीन दो और एक एक से कोई मतलब नहीं है, अब हमें तीन चार एक दो, यानी एक पॉइंट बढ़ रहा, और एक पॉइंट बढ़ रहा कितने साल में, बीस साल में, यानी एक पॉइंट की वैल्यू है बीस साल, दस साल यहाँ, दस साल यहाँ, बीस, तो कर लो उसमें बीस दिया साठ और बीस एकम बीस, साठ वर्ष और 20 वर्ष, ये इनकी एज कब है, 10 साल पहले एज है ये, तो वर्तमान में लाऊंगे तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 70 वर्ष और यहाँ पे 30 वर्ष, इनका रेशो पूछा इसने, 70 रेशो 30, तो इनका रेशो कितना आ जाएगा, 7 अनुपात 3, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ आज के, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि हम आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों।